हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के 44 सांसदों से मिले। पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग में हुई दो बैठकों में पश्चिमी यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा के सांसद मौजूद रहे। बैठक के दौरान मोदी ने कहा कि सांसद सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाएं। राज्यसभा के बाद अब लोकसभा में भी सिनेमेटोग्राफी संशोधन बिल पास हो गया है। ये बिल सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन की मांग करता है। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा में इस बिल को 22 वोट के जरिए पास कर दिया गया। नूह में दो पक्षों के बीच हुई हिंसा को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। इसकी पूरी जानकारी भी केंद्र को दी गई है, जिसके बाद केंद्र नूह जिले में हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 3 कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स एयर ड्रॉप कर रही है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की 6.2 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। इसमें गाजियाबाद और बिहार की भी संपत्ति शामिल है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब्स केस में ये कार्रवाई की है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त करने के साथ 25 लोकसभा सीटों पर भी ऑब्जर्वर लगाए हैं। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री को सीनियर ऑब्जर्वर और तमिलनाडु के कांग्रेस नेता शशिकांत सेंथिल को ऑब्जर्वर नियुक्त किया है। हरियाणा के नूह में हिंदू संगठनों की ओर से निकाली जा रही ब्रज मंडल यात्रा के दौरान बवाल हो गया। दो गुटों में हुई टकराव के बीच 3 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों को आग लगा दी गई। पुलिस पर भी पथराव किया गया। एयर इंडिया और इंटर ग्लोब एविएशन यानी इंडिगो को विमान इंपोर्ट करने के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी DGCA को मंजूरी मिल गई है। दोनों एयर लाइन 1970 विमान इंपोर्ट करेगी। इसमें एयर इंडिया के 470 और इंडिगो के 500 विमान शामिल है। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में सुबह रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने अपनी ऑटोमेटिक राइफल से साथी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर यानी ASI को गोली मार दी। इसके बाद वो दूसरे डब्बे में गया और 3 पैसेंजर्स को भी शूट कर दिया। इसराइल में न्यायिक सुधार यानी ज्यूडिशियल ओवरहॉल बिल पास होने का विवाद थमता नजर नहीं आ रहा। घर में विरोध का सामना कर रहे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका के साथ कुछ वेस्टर्न पावर भी दबे सुरों में आलोचना कर रहे हैं। अब नेतन्याहू ने इस पर जवाब दिया है। देश में भी सफर के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल करने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इस बारे में पूछे गए सवाल पर बिफर गए। उन्होंने इंटरव्यू बीच में ही छोड़ दिया। ओपोजिशन लीडर भी सुनक के इस रवैये को गैर जिम्मेदाराना बता रहे हैं। खबरों की और जानकारी के लिए देखते रहिए TNP इंडिया। तब तक के लिए नमस्कार।